मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद झारखंड में बिजली संकट खत्म। आज से सुचारू रूप से मिलने लगेगी बिजली। झारखंड वासियों को आज से बिजली कटौती से बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद डीवीसी का बकाया संकट टल गया है। बकाया भुगतान के लिए चल रही बिजली कटौती के बीच झारखंड बिजली वितरण निगम ने शुक्रवार को दामोदर घाटी निगम डीवीसी को 400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। कोषागार के जरिए फंड ट्रांसफर करने के बाद JBVNL ने डीवीसी से बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि समझौते के मुताबिक JBVNL ने फौरी तौर पर तय राशि का भुगतान कर दिया है। ऐसे में डीवीसी भी तत्काल लोड शेडिंग और कटौती बंद कर आपूर्ति को तत्काल नियमित करे। ऐसे में अब डीवीसी की ओर से की जा रही बिजली कटौती से आम लोगों को राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा 4,995 करोड़ रुपए के बकाए भुगतान को लेकर डीवीसी ने धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और बोकारो में 18 घंटे तक बिजली कटौती शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मामले में हस्तक्षेप किया और डीवीसी को फौरी राशि का भुगतान कराया।